बठिंडा थाना क्षेत्र के एक गांव में महिला के साथ शराबी युवक ने नशे की हालत में दुष्कर्म की घटना को दिया अंजाम। आपको बता दें कि पूरा मामला बठिंडा थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां शराबी युवक के द्वारा शराब के नशे में महिला के साथ दुष्कर्म किया। वही महिला ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर कार्यवाही की मांग की, साथ ही जानकारी देते हुए बताया कि 12 सितंबर को समय करीब 7 बजे दरवाजे पर भैंस की सानी चारा कर रही थी, कभी गांव के ही रहने वाले अंकुश यादव पुत्र बच्चा शराब के नशे में धुत होकर आया और मुंह दबा कर जबरन घर के अंदर घसीट कर ले गया और जबरन बलात्कार किया। पीड़िता के चिल्लाने पर धमकी दी कि यदि किसी से बताया या शिकायत की तो मैं तुम्हें और तुम्हारी बच्ची को जान से मार दूंगा। वही पीड़िता ने बताया कि उसका पति मानसिक रूप से विक्षिप्त है और करीब 6 माह पहले घर से कहीं चला गया है। वही पीड़िता के द्वारा संबंधित मामले का शिकायती पत्र बठिंडा थाने में जा कर दिया। वही आरोप लगाया बठिंडा थाने में FIR दर्ज नहीं की और पीड़िता के ऊपर सुलह समझौता का दबाव बनाया जा रहा, जिससे परेशान होकर पीड़िता ने अपनी नवजात बच्ची सहित पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। बांदा से प्रभंजन कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। थाना क्षेत्र से आई हैं आप? बठिंडा। किस समस्या को लेकर आई थी? समस्या ये है कि मतलब 12 तारीख को घटना हुई है हमारे साथ, गाय भैंस के चारा पूरा डाल रही थी। इसके बाद अंकुल ने आया है, मेरा हाथ पकड़ के रात के अंदर ले गया, मेरे साथ घटना की। इसके बाद मैंने कहा बताने के लिए, तो कह रहा था तुम बताओगे तुम्हारी बच्चे को जान से मार दूंगा। और मारने के बाद मैं बता नहीं पाई किसी, मतलब जब निकला है तो लीला राज ने देखा है। इसके बाद उसके माँ बाप से मैंने कहा है, तो माँ बाप कह रहे थे कि यहाँ से चली जाओ, मैं तुमको कुल्हाड़ी से काट डालूँ। क्या संबंधित मामले की शिकायती पत्र थाने में जाके दिया? तो वहाँ मतलब पुलिस गई थाने में दिया था। हाँ, थाने में दिया। क्या हुआ? पुलिस गई थी वहाँ से, तो मतलब कह रहे थे कि था ये हो जाए, 500 रुपये देकर, तो मतलब राजीव वाला बोल रहे थे 500 रुपये लेकर राजीनामा करने की बात कर रहे थे। मुकदमा नहीं लिख रहे। आज कहाँ आई थी आप? यहाँ बांदा आई थी। बांदा के SP साहब के पास? जी सर। क्या उनसे मुलाकात हुई थी? हाँ, हुई। क्या कहा था उन्होंने, क्या आश्वासन दिया था? उन्होंने कहा था कि जाओ, हम यहाँ से मतलब पूरी सहायता आपकी करेंगे। क्या चाहती हैं आप? अब यही चाहती हैं कि हम मतलब घटना हुई तो आप रखें, अब पति हमारा घर में रहता नहीं है, उसका मतलब दिमाग सही नहीं है, और छोटी सी बच्ची, बताओ सर हम क्या करें, कोई हमारी अकेले महिला आ रही है, आगे पीछे मारने के लिए ताकने की, जान से मार देंगे गली पा रहे हैं, और कहीं भी आ रहे हैं। अच्छा, धमकाते हैं आपको? जी सर, कह रहे जान से मार देंगे, आ जाएंगे तो मतलब वो रन में अगले हाथ ताकते हैं।